नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीताराम डेरा में कारोबारी से लूटपाट करने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, नगद देसी कट्टा समेत 5 गिरफ्तार। डीसी और डीडीसी ने ईवीएम वीवीपैट मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आजाद नगर ओल्ड पुरिया रोड में करीम सिटी के छात्र एवं स्थानीय युवकों ने की जमकर मारपीट। अब खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा में सांची बाजार के कारोबारी से लूटपाट करने वाले मामले का भंडाफोड़। लूटे गए 2.22 लाख रुपए और देसी कट्टा बरामद, 5 गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस कांड में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 2,22,000 रुपए नगद को बरामद किया गया। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल और 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार लोगों में सीताराम डेरा के बजरंगबली मंदिर के भुयांडी धोबी घाट के रहने वाले बोइला उर्फ अभिषेक कुमार, सिद्धगोड़ा के ग्वाला बस्ती कब्रिस्तान के पीछे निवासी बाबू उर्फ प्रसाद पात्रो, सीताराम डेरा धोबी घाट का रहने वाला नीरज कुमार उर्फ टकलू, सिद्धगोड़ा भुयांडी कानू भट्टा निवासी अखिलेश कुमार बोस और सीताराम डेरा भुयांडी पटेल नगर का रहने वाला राहुल कुमार शामिल है। 9 सितंबर की रात 8 बजे सांची बाजार में ड्राई फ्रूट के दुकानदार मनोज कुमार अग्रवाल अपनी दुकान को बंद कर अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान वे न्यू बाराद्वारी चंद्रा कुंज अपार्टमेंट के सामने दुर्गा पूजा मैदान के समीप पहुंचे। ठीक उसी समय एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके कर्मचारी निरंजन गोप के हाथ से पैसे से भरा थैला छीन कर सीधे एपेक्स अस्पताल होते हुए कोर्ट की ओर भाग गए। इसे लेकर एक केस दायर किया गया था। इसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक जांच दल बनाई गई थी, जिन्होंने इस मामले में लूटे गए रुपए को बरामद किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 सितंबर के दिन एक घटना घटित हुई थी। रात के समय करीब 8 बजे एक हम लोग के शहर के ड्राई फ्रूट व्यापारी हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल, उनके साथ एक छिनतई घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक थैला था, जिसमें उनके अनुसार कुछ राशि का बताया गया कि लोगों ने उनसे छीन लिया है और वो 3 बदमाश पैसे छीन करके कोर्ट के रास्ते अलग अलग कहीं गलियों में चले गए थे, जिसका फिर पुलिस के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने टीम बनाया, जिसको डीएसपी हेडक्वार्टर भोला प्रसाद स्वयं लीड कर रहे थे और उस टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन लोगों ने ना कि सिर्फ इस कांड में जो बाइक का इस्तेमाल हुआ था उनको पकड़ा, यद्यपि इसमें जो पैसा इन लोगों के द्वारा छीना गया था उस पैसे की भी बरामदगी की है। इन व्यक्तियों के द्वारा उस पैसों से कुछ चीज़ों की खरीदारी की गई थी, उनकी भी बरामदगी और जब्ती हुई है और एक 2-व्हीलर स्कूटी को भी उनके द्वारा खरीदा गया था, वो भी मिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग इसमें 2 कट्टे भी इन लोग के पास थे। जब इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उस समय इन लोग के पास 2 देसी कट्टे थे, वो भी हम लोग को कांड जो प्रयुक्त थे बरामद हुए। तो इस प्रकार अनुसंधान करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने इस कांड को एक अच्छा अंजाम दिया है और आशा करते हैं भविष्य में इस प्रकार की घटना में हम लोग अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगे। कितना पैसा था जब छीना गया था? जो कंप्लेनेंट है उनके अनुसार उन्होंने 8 लाख की राशि लिखवाई। कितना बरामद? कैश हम लोग का बरामद हुआ है 2,22,000 रुपये बरामद हुआ है। घटना कहाँ है? घटना सीताराम तरफ थाना क्षेत्र की है। कितने लोग इसमें हैं शामिल? इसमें अभी तक जो हम लोग को लोगों की गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ भागे थे सर? घटना देखा ये शहर में ही अपना अलग अलग जगह जाकर के छुप गए थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है उन्हीं की दुकान का काम करने वाला व्यक्ति भी था, जिसने कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, क्योंकि मेनली क्या है कि इस तरह का जो घटना को अंजाम देना है कि ये मालिक निकला दुकान से कैश लेके अभी निकला है, ये सूचना तभी मिल पाएगी जब कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग पहले दिन से ही इस जाँच पर अनुसंधान कर इस बिंदु पर अनुसंधान कर रहे थे कि कोई अंदर का आदमी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अल्टीमेटली हुआ वही, उसको पहले हम लोगों ने मतलब जब पूछताछ की तो उसकी बातों में कुछ संशय हुआ, उसके बाद से फिर उससे जब और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बाकी लोग क्या क्या इन्वॉल्व थे और उन लोगों ने क्या देखा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनय मित्तल के निर्देश पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने जिला समरणालय परिसर में ईवीएम वीवीपैट मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिले के जागरूकता रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के साथ वोट की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर 18 सितंबर से चुनाव की घोषणा तक चलन प्रदर्शन वैन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने एवं
ईवीएम वीवीपैट से रूबरू कराने के लिए चलन प्रदर्शन वैन चलाया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए प्रयोग करने वाले ईवीएम में डमी वैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। इस जागरूकता रथ के साथ पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, प्रत्येक मतदाता केंद्र में चलंत वाहन के साथ जिला से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर एवं सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को ईवीएम प्रदर्शन के दौरान वाहन के साथ मतदान केंद्र में उपस्थित रहेंगे। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित रोड नंबर 3 में 20 सड़क पर करीम सिटी कॉलेज के छात्र एवं स्थानीय युवकों में जमकर मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित रोड नंबर 3 में आपसी विवाद में करीम सिटी कॉलेज के छात्र एवं स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे टाइगर मोबाइल के जवानों ने भीड़ को खदेड़कर मामले को शांत कराया। हम लोग को सूचना मिला कि करीम सिटी कॉलेज छुट्टी होने वाला है, भीड़ भाड़ा का ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए लड़का लोग मारपीट करने का संभावना था। हम लोग करीम सिटी कॉलेज गए, वहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ा का था, हो रहा था, उस सबको हम लोग भगाए तो इधर आके मेन रोड में दो नंबर रोड से थोड़ा सा आगे ईदगाह गेट का कब्रिस्तान का पास में आके पूरा मतलब जाम लगाया था, मारपीट कर रहा था। तब तक हम लोग वहाँ करीम सिटी से आ गए यहाँ पर कब्रिस्तान के गेट के सामने, तो फिर इन लोग को भगाए। अभी तो पूरा शांति हो गया। क्यों लड़ाई हुआ, कुछ पता चला? ये सब लड़का का है, लड़का लड़की के बारे में ये लोग आपस में ही कर रहा था, लड़का लड़की का मैटर का लेकर विवाद हुआ। हाँ, हमेशा ये सब स्कूल का कॉलेज का बच्चा लोग लड़का लड़की के मैटर में रहता है, गुटबाजी है। बाहरी लोग का साथ हुआ? कुछ बाहरी लड़का आया हुआ था और कुछ करीम सिटी कॉलेज का लड़का लोग था, उसी का लेकर विवाद में। सब खदेड़े फिर? हाँ, अभी पूरा शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग अभी गश्ती कर ही रहे हैं। कहीं भी ऐसा सूचना होगा तो हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। आपका नाम बोलिए? मेरा नाम 317 जितेन गोराई, साथ में है 27-17 अनुज कुमार पासवान। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार लड़ेंगे पश्चिमी विधानसभा से चुनाव। कहा, जन समर्थन की मांग पर चुनाव मैदान में मजबूती से लड़ेंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर कुमार संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं। उन्होंने कहा कि जन समर्थन की मांग पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, इसको लेकर जमशेदपुर के जनता और अभियोगों ने समर्थन एवं आदेशित किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आप आएँ, और इसी को लेकर हम जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मैं इस बार चुनाव मैदान में आ रहा हूं। कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो मैं पूर्व में भी कर चुका हूं, जो शिक्षा का जो ज़रूरत थी, आरटी कानून लागू करवाने की बात थी, बीपीएल आय प्रमाण लागू करवाने की बात थी, उन सब मुद्दों पर तो हम लोग लड़के जो है कामयाब हो पाए हैं। लेकिन कुछ अहम मुद्दे ऐसे छूटे हुए हैं जिस पर काम होना ज़रूरी था लेकिन हो नहीं पाया, जिसमें उच्च बेहतर एजुकेशन की जो बात है, आज जमशेदपुर के बच्चे, यहाँ के गार्जियंस लोग अपने बच्चे को बेहतर उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में भेजने के लिए मजबूर हैं। यहाँ का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में जा रहा है जो कि यहाँ यूज होना चाहिए था। ऐसे उच्च शिक्षा के माध्यम यहाँ उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, जो बेहतर स्वास्थ्य की जो बात होनी चाहिए थी, जिस पर जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को काम करना चाहिए था। आज MGM अस्पताल में लोग जाने से कतराते क्यों हैं? आप जिस दिन लोग निर्भीक होकर खुशी खुशी अगर MGM अस्पताल में जाने लगेंगे तो ये समझा जाए कि MGM अस्पताल का स्तर सुधर गया, लेकिन आज लोग जाने से कतराते हैं, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और जो आज झारखंड राज्य बनने के बाद भी 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी रोजगार के माध्यम में जो उपलब्ध नहीं पाए हैं, राज्य अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है, इस पर बड़ी काम करने की ज़रूरत है, जिस पर हम लोग ने पूरा खाका तैयार करते हुए अपने काम करने की बात सोची है। आगामी जो चुनाव होंगे उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमशेदपुर की जनता, क्योंकि उनके माध्यम से ही मैं आदेशित हुआ हूँ।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मध्य विद्यालय गांधी मैदान में जिला स्तरीय कृमि मुक्ति दिवस पर शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल के द्वारा बच्चों को दवा खिलाकर किया गया। डॉक्टर साहिर पॉल ने बताया कि कृमि बीमारी के कारण 25% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, साथ ही साथ उनमें पोषण की कमी, खून की कमी एवं मानसिक रूप से विकास ना होना, ये सब किडनी के लक्षण हैं। और इनसे बचने का उपाय अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना है, जैसे जूते पहनकर खेलना, साफ पानी पीना, हाथों को धोना एवं प्रत्येक 6 महीने पर अल्बेटाजोल दवा का सेवन करना। सिविल सर्जन के द्वारा सांकेतिक तौर पर कुछ बच्चों को दवा भी खिलाई गई। उक्त मौके पर जिला कार्यक्रम समन्वयक हकीम प्रधान, शहरी प्लानिंग मैनेजर मनीष कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार मंडल, वरुण कुमार प्रभारी प्राचार्य CRP एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे। NDD का जो कार्यक्रम है जिसको नेशनल डीवर्मिंग डे बोलते हैं या राष्ट्रीय कृमि दिवस बोलते हैं, हर 6 महीने में एक बार ये दवा बच्चों को खिलाना पड़ता है 1 से 19 साल तक, ताकि जो बॉडी में जो वर्म्स या कृमि जो होता है वो नहीं रह सके, वो मर जाए। इसमें बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है कि साफ सुथरा रहना चाहिए, नाखून कटा हुआ होना चाहिए, नाखून छोटा मतलब गंदा नहीं होना चाहिए, सब्जी अगर खाते हैं तो उसको साफ सुथरा करके अच्छे से धो धा के उसका इस्तेमाल करना चाहिए, घर की साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए ताकि ये जो वर्म्स की जो बीमारी है ये नहीं पकड़ सके। आज जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के बैनर तले जो है राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी मध्य विद्यालय में आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जो कार्यक्रम है वह संपन्न भी हुआ है। बेसिकली आज को हम लोग सभी बच्चों को जो 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के हैं उन सबों को कृमि की दवा खिलाने के लिए ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने आयोजित किया है, जो सभी हमारे आंगनवाड़ी में और सभी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी जगह पर बच्चों को दवा खिलाने की योजना है। इसमें लगभग 4 लाख से ऊपर का हम लोग का टारगेट है, जिसमें कि हम लोग सभी बच्चों को टारगेट किए हुए हैं कि सभी बच्चों को दवा खिलाया जाना है। आज प्रथम दिन है, इसके बाद एक दिन जो बच्चे छूट जाएंगे आज को किसी भी कारण से, आज जो अगर एब्सेंट होंगे तो उसके लिए मॉपअप दिवस है 27 तारीख को, तो 27 तारीख को फिर से उन बच्चों को दवा खिलाई जाएगी जो बच्चे आज छूट जाएंगे। यही एक कार्यक्रम है जिसके लिए सिविल सर्जन महोदय हमारे साथ में उपस्थित थे, हम लोगों ने अभी अभी इनका शुभारम्भ किया है और सभी जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बिष्टुपुर माइकल जॉन सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का SSP ने किया शुभारंभ। SSP कौशल किशोर ने कहा, जन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान के लिए झारखंड पुलिस की सार्थक पहल है। झारखंड पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के निर्देश पर शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस द्वारा किया गया। जिले के SSP किशोर कौशल द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें, राज्य भर में पुलिस से जुड़े वैसे मामले जिनका निष्पादन रुका हुआ है उनके त्वरित समाधान हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान जिले के SSP समेत तमाम पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के SSP किशोर कौशल ने कहा कि झारखंड पुलिस का यह एक सार्थक प्रयास है जिसके माध्यम से मामलों का निष्पादन त्वरित रूप से किया जाना है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा आ रहे हैं, साथ ही कहा कि इसमें लोग सामाजिक शिकायत जैसे बेवजह सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी, छेड़खानी जैसी शिकायत भी लोग यहाँ दर्ज करवा सकते हैं, जिसे गुप्त रखा जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में SSP की कौशल किशोर ने बताया कि लोगों की जो भी शिकायतें हैं उसे दर्ज कराया जा रहा है, वहीं शिकायतकर्ता को कार्रवाई की लगातार फॉलोअप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान ये जरूरी नहीं कि शिकायतकर्ता खुद आकर शिकायत दर्ज कराएं, जबकि लोग मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के मामले आ रहे हैं, परंतु घरेलू हिंसा से जुड़े मामले अधिक आ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों और पुलिस के बीच के समन्वय बना रहे, पुलिस हमेशा ही आम जनता के सेवा से जुड़े रहे और उनके समस्याओं का निदान आपसी समझौते के आधार पर किया जा सके। सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की आ रही है?
देखिए बहुत सभी तरीके की समस्याएं हैं, जो लोग अपने घरेलू हिंसा से जुड़े हुए काफ़ी मामले, खासतौर पर आप देखें जो पति पत्नी से संबंधित विवाद हैं उस तरीके के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को अगर किसी तरीके की कोई सूचना उनके पास है, कोई असूचना है, कोई ग्रीवांस है, कहीं जमावड़ा होता है, कहीं अड्डेबाजी होती है, कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर लोग अनावश्यक रूप से जमा होकर के शाम में हंगामा करते हैं, या फिर कहीं पर ड्रग्स बेची जा रही हो, या कोई भी ऐसी सूचना जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जीवन को, एक सभ्य समाज को चालू रखने में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा पहुंचाती है, तो वो सूचना हमें दे सकते हैं। सर, इससे पुलिस पब्लिक रिलेशन कितने बेहतर होंगे? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ही वही है कि लोगों के मध्य जो भी झिझक है कई बार पुलिस को लेकर के, कि पुलिस के पास कैसे जाएं, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, इसलिए ये एक माध्यम दिया गया है कि लोग चाहें तो फिजिकली आकर, लोग चाहें तो ईमेल के माध्यम से, लोग चाहें तो फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उद्देश्य यही है कि पुलिस और पब्लिक के बीच के गैप को हम लोग मिनिमम ले पाएं। मैं सबसे पहले सीनियर साहब को बधाई देना चाहता हूं और माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि जिन्होंने ये पहल किया, घर का मामला हो या साइबर क्राइम हो या किसी तरह भी मामला हो, या आप सीनियर साहब के पास पहुँचा सकते हैं। ये जल्द से जल्द हल हो रहा है, घर के औरतों का मसला को हल कर रहे हैं और एक्सीडेंट केस को जो पेमेंट है या उसका मुआवजा है वो सब मिल रहा है। और ये जो आंदोलन इन्होंने जो जारी किया है सरकार ने, ये बहुत ही तारीफ़ी के लायक है। और जो भी मसला, जिन लोगों का भी मसला हो, वो एक देखा जाए कि एक लोक अदालत की तरह आज यहाँ खोला गया है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, इसका जल्द से जल्द फैसला हो रहा है। पूर्व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर पूर्वी सिंहभूम के बंगाल से सटे बॉर्डर इलाकों में भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं भारी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, जिससे पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर इलाके में भारी जाम की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं से लेकर जिला पुलिस हरकत में आ गई है। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सभी वस्तु स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं, किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसे लेकर सभी बंगाल से सटे सीमावर्ती थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिया गया है, जिससे किसी को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और छोटे वाहनों को परेशानी ना हो, इसे लेकर बंगाल पुलिस से संपर्क कर उन्हें पास करवाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगते हैं, उन सभी सीमावर्ती थानों को इस संदर्भ में अलर्ट करने के लिए निर्देश कल ही शाम से दिया गया है कि जो भी वाहन बंगाल की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे वाहन या निजी वाहन जो जा रहे हैं, जो एम्बुलेंसेस वगैरह जा रही हैं, उनमें किसी भी तरीके से, या जो पैसेंजर व्हीकल्स जा रही हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इस संदर्भ में दोनों जो राज्य हैं उनकी जो पुलिस है, या फिर जो हमारे पड़ोसवर्ती जिले की जो पुलिस है, उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, जिससे कि लोगों को दैनंदिन जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वर्तमान में जो गुड्स कैरियर्स हैं, यानी कि जो मालवाहक जो वाहन हैं, उनके आवागमन को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अभी वार्ता चल रही है उच्च स्तरीय। और बाकी छोटे वाहनों को लेकर के, निजी वाहनों को लेकर के, एम्बुलेंसेस को लेकर कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के जो जिला पुलिस हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन में है और उसको सुचारू रूप से कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद आईटीआई। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका, युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद आईटीआई के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाए। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह के टेक्निकल कोर्सेस कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद आईटीआई के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है, हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएँगे।
इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है, और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होते हैं यहाँ। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं, और यहाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बार कोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहां इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड ए ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफर होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चायबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो Level 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया। तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा करके बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहां पर की समुचित व्यवस्था हो, जहां पर कि आपके बच्चे का, जच्चे का, बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके, अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहां पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सांसद विद्युत नारायण महतो ने आज नई दिल्ली में एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एम सुरेश जी से मुलाकात की एवं धालमुमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस संदर्भ में सांसद महतो ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालमुमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 24 जनवरी 2019 को भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में तत्कालीन केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन केंद्रीय विमानन सचिव आर एन चौबे एवं उपस्थिति में संपन्न हुआ। धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य झारखंड सरकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लंबे समय से लंबित है। गत दिनों दिनांक 24 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इस संबंध में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अनुसार धालमुमगढ़ हवाई अड्डे के विकास हेतु कुल 99.256 हेक्टेयर वन भूमि उपयोजन का प्रस्ताव सचिव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। सांसद महतो ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण स्वीकृति मिल जाने के उपरांत धालमुमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण का मार्ग लगभग प्रशस्त हो गया है, अतः इस कार्य को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। सांसद महतो ने चेयरमैन से इस बाबत एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का सुझाव भी दिया, जिसमें राज्य सरकार, नागरिक उड्डयन विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग उपस्थित रहे और इस एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित सभी प्रकार के अड़चनों पर एक साथ बैठक कर इसका निपटारा किया जा सके। सांसद महतो के इस प्रस्ताव पर चेयरमैन ने अपनी सहमति जताई और अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह तय किया गया कि यथाशीघ्र धालमुमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण के लिए एक बैठक आयोजित किया जाएगा, जिस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जमशेदपुर लोकसभा के सांसद, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, झारखंड सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक एसपी सिन्हा, नागरिक उड्डयन विभाग के संबंधित पदाधिकारी, झारखंड सरकार के वन विभाग के सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आगामी 21 सितंबर से जमशेदपुर एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबला होना है। इसे को लेकर जमशेदपुर के कोच खालिद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जमशेदपुर एफसी के कोच खालिद इकबाल ने बताया कि जमशेदपुर एफसी जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक शानदार माहौल तैयार किया गया है। शनिवार को मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ घरेलू मैच के लिए 15,000 टिकट बिक चुके हैं। मैन ऑफ स्टील को उम्मीद है कि ISL सीजन के पहले मैच में एफसी गोवा पर जोरदार वापसी के बाद दर्शकों की संख्या लगभग पूरी हो जाएगी। पहले घरेलू मैच के टिकट अब भी स्ट्रेट माइल रोड पर गेट नंबर 1 के पास में स्थित बॉक्स ऑफिस से खरीदे जा सकते हैं। बॉक्स ऑफिस रोजाना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। सांसद विद्युत नारायण महतो ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने टाटानगर से वंदे भारत ट्रेन सेवा प्रदान करने के लिए उनके प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के इस प्रयास से टाटानगर रेलवे क्षेत्र में लोगों की आकांक्षाएं पूरी होगी। इसके साथ ही साथ सांसद महतो ने 2 नए सुपरफास्ट रेल सेवा की भी मांग केंद्रीय रेल मंत्री से की। उन्होंने टाटा से जयपुर के लिए सीधी रेल सेवा एवं टाटा से बेंगलुरु तक एक अतिरिक्त सीधा ट्रेन सेवा की सुपरफास्ट सेवा की मांग की है। उन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा है। उन्होंने कहा इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र टाटानगर से जयपुर के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन की मांग पिछले कई वर्षों से उठती आ रही है। झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा में राजस्थान क्षेत्र के कई लोग निवास करते हैं और यहां से बड़ी मात्रा में जनता रोजगार, व्यापार एवं शिक्षा हेतु राजस्थान की ओर यात्रा करती है। वर्तमान में इस यात्रा के लिए उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित है और यात्रा में काफ़ी समय लगता है, जिससे यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। टाटानगर से जयपुर तक एक नई सुपरफास्ट रेल सेवा प्रारंभ होने से न केवल लोगों की यात्रा में आसानी होगी, बल्कि यह यात्रियों को झारखंड के टाटानगर और राजस्थान के जयपुर के बीच कम समय में सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा टाटानगर बेंगलोर ट्रेन सेवा प्रारंभ किया जाए। टाटानगर में जो मिनी भारत के नाम से विख्यात है, परंतु यहाँ बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेंगलोर एवं काटपाटी की ओर यात्रा करना पड़ता है। ऐसे में टाटानगर एवं बेंगलोर के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा की आवश्यकता है, जो टाटानगर से बेंगलुरु तक सीधे चले और मार्ग में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, तिरुपति और काटपाड़ी को जोड़े। इस सेवा से न केवल लोगों की यात्रा में आसानी होगी, बल्कि ये चिकित्सा एवं शिक्षा सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत सुविधाजनक होगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद महतो को आश्वस्त किया कि वे इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं से हुए अवगत, जांच उपरांत उचित कार्रवाई को लेकर किया आश्वस्त। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जिस पर जांच उपरांत यथोचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया गया।
फरियादियों ने दुकान आवंटन, पेंशन भुगतान, निजी स्कूल संबंधी समस्या, राशन कार्ड, भूमि बंदोबस्ती, जमीन का म्यूटेशन, भूमि विवाद समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं को लेकर उपायुक्त का ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर यथोचित कार्रवाई को लेकर उन्हें आश्वस्त किया गया। इस दौरान कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित कर समयबद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रखंड के साथ साथ अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीताराम डेरा में कारोबारी से लूटपाट करने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, नगद देसी कट्टा समेत 5 गिरफ्तार। डीसी और डीडीसी ने ईवीएम वीवीपैट मोबाइल डेमोंस्ट्रेशन, जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आजाद नगर ओल्ड पुरिया रोड में करीम सिटी के छात्र एवं स्थानीय युवकों ने की जमकर मारपीट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।